अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइस एंड क्रीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड फिश इन शेजवान सॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो सैमन फिश, इसे हिंदी में रावस भी कहते हैं। इसे अच्छे से धोकर पैट ड्राई कर लें, नमी नहीं रहनी चाहिए। फिर इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, एक टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, एक चौथाई टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 3/4 टीस्पून विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 1/2 teaspoon सोया सॉस, 1 teaspoon पैप्रिका पाउडर। अगर आपके पास पैप्रिका पाउडर नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 3/4 teaspoon टमाटो केचप, 1 tablespoon भर कर शेजवान चटनी। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और फिश पर कोट कर लेना है और इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है 20 से 30 मिनट के लिए। अब एक प्लेट में 1/3 cup कॉर्नफ्लावर ले लें और 2 tablespoon राइस फ्लावर यानी चावल का आटा ले लें, अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक एक करके हमें फिश के पीसेस लेना है और आटे के मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा आटा है वो डस्ट ऑफ कर लेना है। थोड़ा सा तेल फ्राइंग पैन में गरम करके हमें पीसेस को शैलो फ्राई करना है। अब एक एक करके जल्दी जल्दी सारे पीसेस को फ्राइंग पैन में फ्राई कर लें। ज़्यादा ओवर क्राउड ना करें, फिर हमें उसे फ्लिप करने में दिक्कत होगी। अब एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकते रहने दें, जब तक कि वो अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता। अब 2 से 3 मिनट के बाद बहुत ही जेंटली और केयरफुली हमें पीसेस को फ्लिप करते जाना है और दूसरी साइड भी हमें कुक कर लेनी है 2 से 3 मिनट के लिए। जब सारे पीसेस बहुत अच्छी तरह से पक जाएं और ब्राउन हो जाएं, तो हमें पीसेस को एक एक करके बहुत ही केयरफुली निकाल लेना है। अब आगे की प्रोसीजर के लिए हमें सेम पैन ही यूज़ करना है। जो एक्स्ट्रा तेल था फ्राइंग के बाद वो हमें निकाल लेना है और 2 से 3 tablespoon तक तेल हमें उसमें रहने देना है। अब तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम 1 tablespoon बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे, 1 tablespoon बारीक कटी हुई अदरक। अब हम इसे 1 मिनट तक स्टर करेंगे, जब तक कि अदरक और लहसुन की जो खुशबू है वो आने नहीं लग जाती। अब हम इसमें डालेंगे 2 tablespoon शेजवान चटनी, अच्छे से मिला लेंगे करीबन आधे मिनट के लिए। अब जो सॉस है उसे पूरे पैन में इक्वली स्प्रेड कर लें और एक एक करके फिश के पीसेस को हमें पैन में अरेंज करना है। फ्लेम को लो रखें और 1 मिनट तक के लिए ऐसे ही पकने दें। उसके बाद हमें पीसेस को पलट लेना है और फिर से 1 मिनट तक के लिए पकाना है। फिश ऑलरेडी पकी हुई है तो हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस फ्राइड फिश इन शेजवान सॉस रेडी है। आप इसे फ्राइड नूडल्स या फ्राइड राइस के साथ रिलिश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।